फॉलो कर रही है और यहाँ पे जो सिविल सोसाइटी है वो अवेयर कर रही है जो आम जनता को। और मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे जो है स्कूल के जो बच्चे हैं वो भी अवेयर कर रहे हैं। आइए जानते हैं उन बच्चों का क्या कहना है यहाँ पे ट्रैफिक वाले। अभी आप देख सकते हैं जो जेके पब्लिक स्कूल के जो बच्चे हैं यहाँ पे जो है अवेयर कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं सामने जो है रेड सिग्नल है और यहाँ पे जितनी गाड़ियाँ जो रूल को फॉलो नहीं कर रही हैं वहाँ पे जो बच्चे हैं गाड़ियों को क्या टू व्हीलर्स हो चाहे फोर व्हीलर हो उन सबको जो है रूल्स फॉलो करवा रहे हैं और बता रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बच्चे हैं यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ पे मैं आपको बता दूँगी जो रेड एफएम 91.9 के जो है यहाँ पे सदस्य हैं वो भी जो है अवेयर कर रहे हैं। यहाँ पे हेडफोन क्या कर रहे हैं बेटा बताओ। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हेडफोन जो है और आपको पता ट्रैफिक के दौरान जो है हेडफोन यूज करना जो है इलीगल मान जाता है। यहाँ पे देखिए आप छोटे छोटे बच्चे जो है अवेयर करवा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि छोटे बच्चे सुबह जो है आम जनता को जो समझा रहे हैं ये एक बहुत बड़ी बात है। और मैं आपको आज बता दूँ कि आज टीचर्स डे भी है और यहाँ पे जो टीचर्स हैं बच्चों को सिखा रहे हैं। यहाँ पे ये आज एक दिन में दो बातें हो रही है टीचर्स डे भी है और ट्रैफिक के लिए अवेयर भी किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैडम जो है और वहाँ पे जो है उन्होंने भी सीट बेल्ट डाली हुई है। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आप देख सकते हैं गाड़ी में जो है जो रूल्स हैं फॉलो किए जा रहे हैं। जब से जो ये रूल निकला है 1 सितंबर 2019 से तो अवेयर कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हेलमेट डाल दिया
बता रहे हैं, आप ध्यान रखें अपना, अगली बार करेंगे भाई, आपका ध्यान रखें। आज आपने पदार्थ किया है जेटी कंपनी का स्टूडेंट्स के साथ, तो कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, यू नो, स्टूडेंट्स के साथ मिलके लोगों को एजुकेट करना कि ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। वैसे हम लोग बहुत सारे लेक्चर्स देते हैं, बोलते रहते हैं कि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करो, बट आई थिंक दीज केड्स हैव डन अ सुपर जॉब बाय गोइंग एंड एक्चुअली टेलिंग पीपल कि कितना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस एज में अगर इनको इतनी समझ है तो जो लोग इतने बड़े वो इस चीज़ को क्यों नहीं समझ सकते, एंड आई एम श्योर कि दे विल बी वेरी रिस्पॉन्सिबल सिटीजंस। इस एज में अगर ये चीज़ इसी इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना कितना इंपॉर्टेंट है, तो आगे जाके ये आगे वाली जनरेशन को और बाकी सबको भी और ज़्यादा अवेयर कर सकते हैं। आपको कैसे लगा, आप बताइए, आपको रेडिकल पे इनिशिएटिव कैसे लगा? बहुत अच्छा मैम, अवेयर किया जा रहा है और हमारा भी यही, मीडिया का भी यही रोल है कि यहाँ पे अवेयर करना है। तो आज टीचर्स डे भी है, तो आज क्या कहना चाहिए? मैं सभी टीचर्स को, अपने टीचर्स को और जितने भी टीचर्स हैं सबको टीचर्स डे विश करना चाहूँगी। मुझे एक बात याद आ रही है, मेरी टीचर मुझे कहती थी कि जब अभी तुम लोगों को टीचर की डांट जो है बहुत ज़्यादा बुरी लगती है सुनने में, एंड यू नो ये जो स्कूल डेज है आप आगे जाके बहुत ज़्यादा मिस करोगे। सो आई थिंक नाउ आई एम गेटिंग टू नो, बिकॉज जब आप कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करना स्टार्ट करते हो तो स्कूल ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। सो हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल द टीचर्स आउट देयर। सो एक बच्चों के साथ होता है, या प्लीज आई डोंट टू से सुपर हिट्स 91.9 रेड एफएम बजाते रहो, हैप्पी टीचर्स डे। टीचर्स डे जो है बच्चे सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने टीचर्स के साथ, और दूसरी तरफ अगर बात की जाए अवेयर की, ट्रैफिक अवेयर, थैंक यू सो मच। एक तरफ से आप देखते हैं कि टीचर्स डे जो है सेलिब्रेशन किया जा रहा है, और दूसरी तरफ से जो ट्रैफिक को अवेयर किया जा रहा है, और आपने देखा किस तरीके से जो बच्चों स्कूल के जो बच्चे हैं उन्होंने एक जो है रूल अदा किया है यहाँ पे, और सब जितने भी टू व्हीलर्स फोर व्हीलर्स के जो जितने भी ड्राइवर और ऑटो चालक जो भी थे सबको उन्होंने अवेयर किया कि ये आपके लिए हानिकारक है। ऐसे ही अपडेट्स मैं देती रहूँगी, जुड़ी रहेगा प्रीति सहर मार्ग लाजवाल।